डिग्री सी थी क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट था वो छोटी नहीं भाई सिक्सटी बॉडी में शर्ट उतारोगे तो फिर भाई लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं सर जिस एक्टर ने अटेम्प्ट नहीं किया और उसके पास अगर मौका आ रहा है खतरों करने का तो मैं बोलूंगा यार खतरों जरूर करो सब आगे। कश्मीर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आउटस्टैंडिंग था और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत रियलिटी इस तरीके का मैंने इससे पहले किया नहीं है तो मुझे लगता है इवन जो फैंस देखेंगे ऑडियंस देखेंगे एक अलग कश्मीर देखने को मिलेगा एक अलग साइड देखने को मिलेगी। फाइनलिस्ट में आपका नाम भी आ रहा है अभी ये तुम टीवी पे देखो इसके बारे में हमें अलाउड नहीं कुछ बोलने के लिए आप देखो मजा आएगा बहुत मजा आएगा 3 महीने बड़े मजे करोगे आप। How was your journey? Fabulous, fabulous. It's God's plan I think. Everything is God's plan. मैं आपको नहीं बता सकता वाटर और एयर स्टंट्स थे कुछ हाइट के कुछ स्टंट्स थे जो पर्टिकुलरली बहुत मेमोरेबल रहे हैं। इस बार हमने देखा स्टंट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं बहुत सारे चेंजेस हुए बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स थे जो पिछले वाले सीजन देख के आए थे वो सब हक्के बक्के रह गए क्योंकि वैसा कुछ हुआ नहीं नए नई नई चीज़ें ऐड की उन्होंने। ठीक है गाइस और बताइए भाई कुछ और बताइए जी राजन रुक जा। थैंक यू भाई लव यू। आपको हाइट का कुछ खोबिया था यार? खोबिया नहीं फोबिया। चलो 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 पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे आ जाओ। कृष्णा भाई मुझे बुम्बई पकाने बस चलो 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 भाई आगे आ जाओ भाई भाई आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ भाई मेरे को आगे जाने दो। रुको 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 जाओ रुको जाओ शट अप जर्नी बहुत अमेजिंग थी। आप मतलब हमें मना किया गया कुछ भी बोलने से आपको पता ही है बाकी जब आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा और मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना सब कर पाऊंगा बट मैंने कर लिया। भाई अप्रिसिएशन भी मिला है आपको क्या कहना चाहोगे वो कैसा आपके लिए दिन था? बहुत अच्छा लग रहा है मतलब धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ मम्मी पापा खुश हैं ये लोग आ जाते हैं मुझे लेने मुझे ऐसा होता है कि इनको खुशी होनी चाहिए बस कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो इनको एटलीस्ट प्राउड होना चाहिए और ये हमेशा प्राउड फील करते हैं। चलिए सर चलिए और बस खुश हूँ मैं अपनी जर्नी से बहुत खुश हूँ। Yeah, I can speak now English. चलो चलो चलो। आप लोग कितने excited हो गए? बहुत ज़्यादा, बहुत excited हैं हम लोग। चलो 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 भाई क्या क्या लग रहा है अभिषेक finalist में नाम तो आ रहा है अभिषेक आपका क्या कहना है? कुछ नहीं बोलेंगे मम्मी पापा इनको नहीं पता कुछ भी। चलो 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 बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही बेटा है नंबरिया काम कर रहा है बिल्कुल। आप कैसे हो आप बताओ ठीक हो? चलो चलो भाई चलिए 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 भाई
बस कहना चाहोगे कितने एक्साइटेड हो कृष्णा के सन्स के लिए? बस सॉलिड सॉलिड बिंदा यहाँ तक, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, अपना बच्चा है क्या बोलेंगे, बहुत बहुत खुशी हुई कि इसमें पार्ट लिया। It was amazing, great experience, very grateful for this experience, just excited, Baki watch the show. Krishna, what all? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत कुछ सीखने को मिला, वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस एक्सपीरियंस। निमृत काफी यू नो इस बार कंटेस्टेंट को अप्रिसिएशन मिला है, रोहित सर से क्या कहना चाहूँगे, आपको क्या मिला? जो मुझे अप्रिसिएशन मिला वो तो आप देखेंगे, बट मैं डेफिनेटली कहूँगी कि एज एन इंटायर बैच हमारा बैच बहुत स्ट्रांग है, सारे मेकर्स इंक्लूडिंग सर सब ने यही कहा है कि बहुत टाइम बाद एक ऐसा सीजन आया है जो जहाँ यू नो सारे कंटेस्टेंट्स इतने ज़्यादा कंपेटिटिव है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड बैच। वेल इसी के साथ साथ यू नो टॉप फाइव में मैं बात करूँ तो कश्मीर, शालीन, अभिषेक और करणवीर मेरा का नाम आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप? मुझे तो नहीं पता कि आपको ये कौन सा नाम आया है, बट आई हैव नो आइडिया, आपके नाम और मेरे नाम मैच नहीं कर रहे हैं। सीरियसली मतलब हमारे नाम में डाउट है, सब नाम में डाउट है, पता नहीं। वेल इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ कौन सा बेस्ट स्टंट रहा, क्योंकि हमने जहाँ तक के देखा है, हमें जहाँ तक के पता चला है, इस बार काफ़ी स्टंट्स चेंज हो चुके थे, तो आप लोगों ने सोच कर गए थे वो नहीं हुए? हम लोग सोच के ही नहीं गए थे, सोच के जाने का मतलब ही नहीं बनता, बट ऑफकोर्स स्टंट्स काफ़ी आप देखेंगे तो स्टंट्स का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुका है डिफ़िकल्टी वाइज, और जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग इसलिए था क्योंकि सब लोग ही इतने ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। आई स्वेयर पूरा यार, मतलब कोई फोबिया नहीं बचा है, शौक से लेकर पानी, हाइट, क्रीपी क्रॉली सब कुछ, मुझे आई थिंक आई हैव कम बैक एज अ न्यू पर्सन। वेल कहाँ इंजरी आई है, क्योंकि हमने सबकी इंजरी देख चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि देखो इंजरी सबके ही आया, बिकॉज इतना डिफिकल्ट शो है, बट आप अगर जंग पे जा रहे हैं तो बैटल स्कार्स तो आएंगे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वेल इस बार निमृत डबल स्ट्रांग होकर आई है, एक बार बिग बॉस से और एक बार खतरों के खिलाड़ी से, राइट? या एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू? नथिंग, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड, आई होप ऑल द फैंस, ऑल द व्यूअर्स ऑफ द शो, दे एंजॉय वॉचिंग दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करने के लिए, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि अभी जल्दी से ऑन एयर जाए और आप सबका रिस्पॉन्स मिले, सो थैंक यू। थैंक यू, आई लाइक टू से यू, यू आर द विनर, ओह दैट्स सो यू आर द विनर, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, विनर, लव यू। इट इज़ एक्चुअली वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरी बिल्कुल पर्सनैलिटी नहीं है इतना एक्शन और ये सब करने की, बट गोइंग देयर यू नो फेसिंग द फियर्स एंड ऑल वॉज रियली लाइक अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। फोबिया ख़त्म तो नहीं हुआ है, बट अगेन यू नो जो हिम्मत होती है वो डेफिनेटली मिली है कि अभी कोई भी चीज़ करने से डर नहीं लगेगा, इट इज़ लाइक दैट कि हाँ बस कर जाओ, फ्लो इन द मोमेंट। वेल रोहित सर से तो यही मिला है कॉम्प्लीमेंट, जब उन्होंने मुझे कहा कि यू नो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बट अगेन आप जब सारे एपिसोड्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ बिकॉज वी आर ऑल्सो बाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आई हैड अ ग्रेट टाइम। वेल कुछ नाम सामने आ रहे हैं फाइनलिस्ट के, क्या वही नाम? वो मैं डेफिनेटली वो मैं नहीं बोलूँगी अभी कुछ भी, बिकॉज एज आई सेड नहीं बोल सकते अभी कुछ भी, बट ऑल आई से इज़ कि हम लोग काफ़ी लोग हैं, वो 40 डेज रहकर आए हैं, एंड तक आए रहकर आए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। वेल लास्टली
ऑब्वियसली शालिन को काफी यू नो चोट आई थी स्कॉर्पियन से काट गए थे, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? एक्चुअली आप अगर एपिसोड देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, इंजर्ड तो सभी हुए हैं, बट सबने अपने पोस्ट डाले नहीं थे, बाकी इंजरी सबको हुई है. बट अगेन वहाँ पे मेडिक्स भी थे, सो वी वर टेकन केयर ऑफ, ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज किया जा रहा था. अरे ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड कप हो गए, डेफिनेटली बहुत ज्यादा भारत माता की जय. मैंने नहीं बोला, किसने बोला मुझे नहीं पता, बट हाँ जो भी काटा उसके बाद में बहुत कुछ कर चुका है. शालिन भाई शेप नहीं बोला था ये. शालिन भाई गाड़ी पे जाओ, रुको रुको गाड़ी पे जाओ, क्या कैसे? अरे तुम अभी आए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चेकी इधर आओ, चेकी इधर आओ, ऊपर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ. शादी भाई भाई छोटू उसको लेके जा, डाली भाई कैसे तू? तो ठीक है, 45 दिन बाद में आ रहा हूँ, लग रहा है मैंने अपनी ओम प्रकाश मैं सच बता रहा हूँ, मैं सबको सेकंड रुक जाओ, मेरे को तो होश नहीं आ रहा. तुम लोग करो स्माइल, कितना अच्छा लग रहा है, मत आपसे मिलने के लिए मुझे पानी पूरी खानी है, चलो पक गया मैं वहाँ पे इतना पक गया, चलो सुबह.